तो राधे राधे, आज मैं आप लोगों के साथ में आंवले के अचार की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खास सर्दियों में बनाया जाता है। और आंवले के गुड़ों के तो क्या कहने, आप सभी लोग जानते हैं आंवला कितना गुणकारी है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे बालों के लिए। आंवले का कितना महत्व है। तो ये रहे आंवले, ये जिनको मैंने वॉश करके रख लिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पर इस तरह से ये फाकी बनी हुई है ना, तो इनको हम कट नहीं करेंगे। इनको हम लोग पानी में जैसे ही बॉईल करेंगे ना, तो ये फाकी अपने आप बन के निकल जाएंगी अलग अलग होके। तो चलिए इनको बॉईल होने के लिए रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गैस में एक पैन चढ़ाएंगे। पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ ही साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी, ताकि जो अचार है ना, तो उसका कलर बहुत अच्छा आए। और हल्दी के साथ में इसमें मैं ऐड करूंगी नमक। और ये जो आंवले रखे थे मैंने वॉश करके, इनको इसमें ऐड कर दूंगी। आंवले को पानी में ऐड करने के बाद में अब आंवले को करना है कवर। तो कवर किस तरह से करेंगे, आंवले को पूरी तरह से कवर कभी भी नहीं करना है। जब भी आंवले को बॉईल करें ना, तो हमेशा थोड़ा सा आधा हिस्सा खुला रहने दें। और ये देखिए आंवले में बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है, लेकिन इसको 10 मिनट के लिए यहाँ पर उबलने देंगे। अभी 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम आंवले को चेक कर लेंगे। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे कि आंवले हमारे अच्छे से बॉईल हो गए, इसका भी एक बहुत अच्छा तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। यहाँ पर आंवले को एक या दो पीस इसके कटोरी में निकाल लेंगे, किसी बाउल में निकाल लेंगे या प्लेट में निकाल लेंगे। अभी आंवले बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए ना, तो इसको इस तरह से फिंगर से प्रेस करेंगे। ये देखिए प्रेस करने के बाद में ये जो आंवले में इस तरह से फाकों की वो लाइनें बनी रहती हैं ना, वो अपने आप अलग होने लगेंगी, फाकों के शेप में अपने आप अलग हो जाएंगी। नाइफ़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और आज का ये पूरा जो अचार है ना, इतने सारे जो आंवले हैं, बिना किसी नाइफ की चाकू की हेल्प के यहाँ पर इनको हम अलग करेंगे। तो ये देखिए आंवले हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, क्योंकि जब आंवले को अच्छे से हल्का सा प्रेस करते हैं ना, तो आंवले की जब फाके बन के अलग होने लगता है, तो समझ लीजिए आंवला बॉयल हो गया है। अब यहाँ पर इसका जो पानी है, इसको ड्रेन आउट कर लेंगे। एक जाली वाली जो प्लेट रहती है या छलनी रहती है, उसमें इस तरह से डाल देंगे। और इसका पानी जैसे ही अलग हो जाए, तो इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जब आंवले थोड़ी देर ठंडे हो जाएंगे ना, तो उसके बाद इनकी जो ये फाके हैं ना, तो इनको निकालेंगे और इनकी गुठली अलग कर देंगे। जब तक यहाँ पर आंवले ठंडे हो रहे हैं, तब तक यहाँ पर हम कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देंगे, जिसको हम अचार के मसाले में यूज़ करने वाले हैं। और तेल गरम करने से हमारा जो अचार है ना, ख़राब नहीं होगा जल्दी। तो यहाँ पर देखिए आंवले ठंडे हो चुके हैं। अब इनको हम यहाँ पर इस तरह से फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, तो अपने आप ये इनकी जो आंवले की फाके हैं ना, ये अपनी शेप में खुद ही अलग हो जाएंगी। आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, ना ही चाकू का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट आंवले को काट कर और उसका अचार रखते हैं, या फिर उसके बाद उसको बॉयल होने के लिए रखते हैं, उससे क्या होता है ना कि हमारे जो हाथ है ना, बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, फिंगर हमारी बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, क्योंकि आंवले में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो ये देखिए बिना किसी मेहनत के सारी फाँके अपने शेप में अलग होती जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा सफाई से अलग हो रही हैं। देखिए बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि ये हाथों से अलग कर रहे हैं, नाइफ से कटी हुई लग रही है ना, बहुत अच्छे शेप में अलग हो रही। और यहाँ पर जो तेल हमने गरम किया था वो अच्छे से गरम हो गया है, तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब और यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है मसाले भूनने के लिए। तो देखिए मैंने मसालों में क्या क्या लिया हुआ है। सबसे पहले तो मैंने ली हुई है मेथी, अजवाइन, जीरा, सौंफ, और इनको अच्छे से रोस्ट होने देंगे। मसालों को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, खाली इनकी नमी ख़त्म हो जाए बस।
साथ ही साथ यहाँ पर हम ऐड कर देंगे सरसों, और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि मसाले जो है ना वो जले ना कतई। और इनको हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इनमें जो एक नमी रहती है ना वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना है, वरना जो मसाले हैं ना उनका जला जला सा फ्लेवर आएगा। साथ ही साथ इसमें मैंने ऐड कर दिया है सूखे हुए साबुत लाल मिर्च, जो कि ना कोई सा भी अचार हो उसमें अगर सूखे साबुत लाल मिर्च डालते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये जो मिर्च है ना इनमें जब मसाला अच्छे से मतलब इसका स्वाद आ जाता है मसालों का, तो ये मिर्च खाने में बहुत अच्छी लगती है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने इसमें सूखे साबुत लाल मिर्च ऐड कर दी है। सबसे लास्ट में ऐड कर रही हूँ ताकि ये मतलब जले ना, मसाले अच्छे से क्रैक होने लगे और खुशबू आने लगी है। बस अब हम कर देंगे गैस के फ्लेम को ऑफ ताकि मसाले जलने ना पाए। और ठंडा करके इनको दरदरा इनका पाउडर पीस लेंगे। और ये सारे देखिए आंवले हैं ना, किसी में भी मुझे नाइफ नहीं लगाना पड़ा है, चाकू का यूज़ नहीं करना पड़ा है, और कितने नीट एंड क्लीन इसकी सारी फाँके अलग हुई हैं ये देखिए। और यहाँ पर ये मैंने मसाला ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल दिया है। ये बस इतनी सी गुठली निकली है इसकी आंवले की, ये रहा आंवला। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बाउल, और ये बाउल बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चराइजर नहीं होना चाहिए। तो इसमें अब हम ये जो सरसों का तेल हमने गरम किया हुआ था ना इसको ऐड करेंगे। अभी थोड़ा ही सरसों का तेल डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे इसमें। और सबसे पहले तेल में हम यहाँ पर ऐड करेंगे हींग, ताकि ये तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए, तो ये सारे मसाले में और आंवले में अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद इसमें यहाँ पर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च, और तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि मैं इस अचार को बहुत ज़्यादा मसाले वाला नहीं बनाने वाली हूँ, बस थोड़े से ही मसाले से बनाऊँगी, क्योंकि मुझे आंवला मतलब अचार के तौर पर नहीं चाहिए, बस मुझे इसको ना एक मतलब डेली खाने के हिसाब से चाहिए। क्योंकि आंवले सर्दियों में आंवला खाने से जो हमारी स्किन है और जो हमारे हाथ कट फट जाते हैं ना तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, कटते फटते नहीं हैं। इसलिए मैं इसको कम मसालों में ही इसका अचार तैयार कर, क्योंकि मुझे इसे हेल्दी ज़्यादा रखना है इसीलिए कम मसाले इसमें यूज़ कर रही हूँ। सारे मसाले मिक्स करने के बाद में यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है नमक। नमक बॉईल करते समय भी हमने डाला हुआ था और हल्दी भी बॉईल करते समय भी डाली थी ना, तो फिर हल्दी और नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है यहाँ पर, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। सबसे लास्ट में इसमें यहाँ पर हम ऐड करेंगे साबुत सूखे हुए लाल मिर्च, जो मैंने जब मसाले ठंडे कर रही थी ना तो फिर मैंने इसको अलग कर दिया था, और अब इसको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप चाहें तो इस अचार को अभी खा सकते हैं, और अगर आप इसको एक दिन बाद खाएंगे ना तो जो मसालों का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छे से आ जाएगा आंवले में। तो इसको मैं स्टोर करके रख दूंगी, आप चाहें तो धूप में भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो किचन में ही इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और अगर आपको लगे कि आपका अचार ख़राब हो रहा है तो आप इसको में तेल थोड़ा ज़्यादा भर दीजिए। मैं बस इसको इसी तरह से रखने वाली हूँ, और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आंवले का अचार बनकर तैयार हो गया है, वो भी कम मसाले में। आप लोगों को कैसा लगा आज के आंवले के अचार की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ये फर्स्ट टाइम है मैंने अपने घर में कोई अचार रखा है और आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर की हुई है। तो चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।